महूगंज के गौरी में बहेगी भक्ति और राम कथा की गंगा, पद्म विभूषण राम भद्राचार्य महाराज के मुखार बिंदु से होगी राम कथा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले के महूगंज के गौरी मर्यादपुर में श्री राम कुटीर में 12 मार्च से 20 मार्च तक भव्य राम कथा का आयोजन किया गया है। इस राम कथा का आयोजन समाज सेवी एवं बीजेपी नेता मृगेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज के मुखार बिंदु से राम कथा की जाएगी। इस अवसर पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ ही देश भर के विभिन्न नेताओं के साथ ही देश भर के श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा राम कथा के दौरान भजन सम्राट अनूप जलोटा की भी प्रस्तुतियां होंगी। ये राम कथा का आयोजन है स्वामी परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से राम कथा का, यहाँ पे रसपान होगा। कितने दिन का कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं कार्यक्रम की? कार्यक्रम 12 मार्च से 20 मार्च तक का है और तैयारियां तो आप सबने अभी देख ही लिया है, अपने अंतिम चरण पे तैयारियां हैं। कल शोभा यात्रा है 11 बजे से और 20 तक की कथा अनवरत चलेगी। 20 तारीख को भंडारा और अनूप जलोटा जी का संगीत कार्यक्रम में कई वरिष्ठ लोग यहाँ पधार रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं जो वीआईपीस हैं? देखें, आप सब हमारे लिए पूज्य हैं, वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। जितने आगंतुक हैं यहाँ सब हमारे लिए पूज्य हैं और तमाम बड़े बड़े जो भी राजनीतिक क्षेत्र से या प्रशासनिक क्षेत्र से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और उनके सबकी आने की संभावना है और जैसे जिसको आना होगा वो सब आप सबको बताया जाएगा। कल शोभा यात्रा में माननीय सांसद जी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री जी आ रहे हैं और सीधी सांसद आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद आ रहे हैं, ये 4-5 सरकार कब आ रहे हैं कार्यक्रम? बागेश्वर धाम सरकार का तो पहले 18-19 को था, लेकिन अब उनका 18-19 को कोई बॉम्बे में कार्यक्रम, इस वजह से 16-17 में अभी कोई अंतिम कार्यक्रम नहीं जारी हुआ है, लेकिन